हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्प्लिट्स विलन जो इस बार रोडीज़ के सीज़न में आ सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि रोडीज़ का नया सीज़न बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड ऑडिशंस भी काफ़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ ना रोडीज़ के ऑफिशियल पेज ने खुद नोटिफाई की है। तो काफ़ी सारे स्प्लिट्स विलन्स हैं जो कि रोडीज़ में आना चाहते थे एंड उनके कुछ के नाम हम आपको बताएंगे जो कि इस बार सीज़न में आ सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पहले स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट जो हमें रोडीज में देखने को मिल सकती हैं वो है महक। महक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें स्प्लिट्स वाला करने में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं, उनका जो मेन फोकस था ना वो रोडीज करना था। जस्ट उन्हें स्प्लिट्स वाला के लिए अप्रोच करा गया इसलिए वो आ गई, बाकी उनका जो मेन टारगेट है ना वो रोडीज में आकर खुद को प्रूफ करना है। तो हो सकता है कि रोडीज के इस वाले सीजन में महक आने की कोशिश करें एंड वो ऑलरेडी स्प्लिट्स वाला कर चुके हैं ना, तो उन्हें जर्नी पे आना थोड़ा सा आसान भी होगा क्योंकि स्प्लिट्स वाला में उन्हें काफी ज्यादा हेट मिला है। तो लेट्स सी कि वो रोडीज में आती है तो उन्हें फिर से हेट मिलेगा या फिर लव। देन सेकेंड कंटेस्टेंट जो आ सकता है ना वो है जस्टिन। स्प्लिट्स वाला के सीजन के बाद में जस्टिन एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्हें काफी ज्यादा प्यार मिला है एंड पॉपुलैरिटी भी मिली है। लोगों ने एक्चुअल में देखना चाहते हैं रियलिटी शोज में एंड ही इज ऑल्सो अ गुड परफॉर्मर, तो इस चीज के भी काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जस्टिन रोडीज पे आए। एंड वैसे भी हर सीजन से ना एक दो कंटेस्टेंट स्प्लिट्स वाले रोडीज में आते ही हैं, तो हो सकता है इस बार महक और जस्टिन हमें देखने को मिले, बाकी किसी और की प्रोबेबिलिटी तो नहीं लग रही है। ओके गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप किस कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं रोडीज के सीजन में। थैंक यू फॉर